मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पावटा के भांगरे गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने ईआरसीपी योजना में विराट नगर क्षेत्र के 3 बांधों को शामिल करने पर आयोजित धन्यवाद सभा में शिरकत की। सीएम भजनलाल शर्मा यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीपैड पर भाजपा नेताओं ने सीएम की अगवानी की। सीएम भजनलाल शर्मा के सभा स्थल पहुँचने पर पुष्प गुच्छ भेंट कर वे साफा बांध कर स्वागत किया गया। इस दौरान महिला शक्ति ने भी सीएम भजनलाल को थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण देने पर तलवार भेंट कर स्वागत किया। सभा में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिस प्रदेश का किसान खुशहाल है वे प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। सीमा पर रह करके सुरक्षा करता है, उन्होंने उस बेटे को भी बन रहे पेंशन का फायदा देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मेरे भाइयों बहनों, अगर दुनिया में कल हमारा ये जो छोटा मोटा थोड़ा उसमें कई दिक्कत थी वो भी पूरी हो गई, कल भोपाल जाकर के ईआरसीपी की सारी अड़चने खत्म करके आने वाले समय में हमारी ईआरसीपी सभी जगह जाएगी। मैं सुन रहा था अन्नदाता हमेशा देने का काम करता है, अन्नदाता को कोई कितना भी दे लेकिन अन्नदाता जितना देता है इतना कोई नहीं दे सकता। ये हमारे अन्नदाता बैठे हैं, मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे यहां हमने देखा है हमारी सरकार बनते ही, क्योंकि एक किसान बेटा होने के नाते मन में ये बात थी कि राजस्थान के अंदर आज अगर हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी परेशानी है तो वो पानी की परेशानी है। कभी हमारा ये राजस्थान, हमारा ये पूर्वी राजस्थान से लेकर के ये पूरा इलाका